दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 255 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर डीप सी डेमोनिक वाले किंग श्रेक डेविल्स के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी उन्हें देख कर के डायमोबई कहता है, इतनी वाइड एरिया अटैक को हम लोग कैसे डोज करने वाले हैं? पर तभी हम देखते हैं कि टेंशन सी गॉड ट्राइडेंट के फर्स्ट टेक्निक का लॉन्च कर देता है। तब उसे देख कर के रोंग रोंग कहते हैं, टेंशन तो इस अटैक को अपोनेंट की अटैक को रोकने के लिए करता है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि टेंशन का यह अटैक डीप सी डेमोनिक वाले किंग की अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद टेंशन बताता है, जब मैंने सी गॉड को क्वीन रेंक्सू से फाइट करते देखा था, मुझे इस अटैक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में पता चला था। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग सोचता है, आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से डोज नहीं किया है। इसके बाद वह टेंशन को देख करके सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है इस लड़के के पास सी गॉड की सॉरी नॉलेज हो। इधर सीओ बाई टेंशन के पावर को देख करके सोचती है, मुझे नहीं पता था कि टेंशन इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद टेंशन रोंग रोंग से कहता है, तुम सभी के पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। तब हम देखते हैं कि रोंग रोंग अपनी नौ पगोरा का इस्तेमाल करके ऐसा ही करने लगती हैं। इसके अलावा रोंग रोंग बताती है कि जब से मेरे सोल पावर 80 के ऊपर गई है, तब से मैं अपनी नौ पगोरा को और भी ज्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपना अगला अटैक के लिए प्रिपेयर करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दो पावरफुल हैमर को क्रिएट करता है। ये देख करके पहले ही पता चल जाता है, अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी टेरिफाइंग पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला है। वही उसे देख करके सीओ बाई कहते हैं, मेरे ख्याल से अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग सीरियस हो गया है। लेकिन तभी टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तब मोटो टेंशन को देख करके कहता है, आखिर में टेंशन अकेले में फाइट कैसे कर सकता है, क्योंकि इस डीप सी डेमोनिक वाले किंग की स्ट्रेंथ तो टेंशन से भी कहीं ज्यादा है। पर तभी डायमोबई बताता है, एक चुअल में रोंग रोंग ने टेंशन के अटैक पावर को बढ़ाया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन और डीप सी डेमोनिक वाले किंग भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। वहीं इन दोनों की फाइट से टेरिफाइंग लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग की अटैक को देख करके मोटू कहता है, मेरे ख्याल से इनमें से एक अटैक भी टेंशन को लग जाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि अचानक से डीप सी डेमोनिक वाले किंग टेंशन को ट्राइडेंट के साथ में दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से टेंशन अपनी 8 स्पाइडर लांस का इस्तेमाल करता है और उसकी हेल्प से डीप सी डेमोनिक वाले किंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग 8 स्पाइडर लांस से परेशान होकर के टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और टेंशन पर भयानक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। वही वो इन अटैक के बीच में लाइटनिंग अटैक को भी छोड़ रहा होता है। तब टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग के अटैक को देख कर की सोचता है, असल में डीप सी डेमोनिक वाले किंग के हाथों में दो हैमर है, वो पावरफुल होने के साथ में काफी ज्यादा बारी भी है, लेकिन फिर भी डीप सी डेमोनिक वाले किंग की स्पीड थोड़ी भी कम नहीं हो रही है। तभी अचानक से रोंग रोंग वहाँ पर डीप सी डेमोनिक वाले किंग के छोड़े गए लाइटनिंग एलिमेंट को देखकर टेंशन को वार्निंग देती है और कहती है कि मेरे ख्याल से वो किसी तरह का ट्रैप को क्रिएट कर रहा है। पर इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग टेंशन पर पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें काफी लेट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग का लाइटनिंग एलिमेंट तैयार हो चुका होता है, लेकिन तभी डीप सी डेमोनिक वाले किंग देखता है अचानक से टेंशन उसकी प्रेजेंस से गायब हो गया है। इधर जीवू भी डीप सी डेमोनिक वाले किंग के लाइटनिंग ट्रैप को देखकर कहती है, ये ट्रैप सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर टेंशन ने भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा रिस्क मूव का यूज किया है। इस तरह से टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग के एनर्जी को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग किसी भी तरह से ओशियन प्रोटेक्शन से बाहर चले आए। इधर हम देखते हैं कि अचानक से टेंशन का ब्लू सिल्वर प्लांट आकर के मोटू के हाथों को पकड़ती है, जिसकी वजह से मोटू टेंशन के इशारों को समझ करके उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। तब टेंशन मोटू से कहता है, हमने जैसा प्लान किया था ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मोटू कहता है,
मेरे ख्याल से टेंशन तुमने भी काफी ज्यादा सोल पावर का खर्च कर दिया है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपने ट्रैप के अंदर टेंशन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेंशन श्रेक डेविल्स से कहता है हमें उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सबसे पहले जीवू जाकर के डीप सी डेमोनिक वाले किंग के साथ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने लगती हैं। और इसी बीच जैसे ही ऑस्कर जीवू की हेल्प करने के बारे में सोचता है, हम देखते हैं कि अचानक से डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी हैमर का इस्तेमाल करते हुए ऑस्कर के ऊपर अटैक कर देता है। इधर ऑस्कर डीप सी डेमोनिक वाले किंग के हैमर के पावर को देख करके हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीवू अपनी गोल्डन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ऑस्कर को बचा लेती है। इसके बाद डाय मुंबई और कैट गर्ल अपनी कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फुल फॉर्म में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर डीप सी डेमोनिक वाले किंग उन्हें एक झटके में ही दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी डाय मुंबई पूछता है टेंशन क्या तुम्हें और भी ज्यादा टाइम चाहिए। तब हमें टेंशन और मोटो का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग से छुप करके मोटो अपनी फायर फिनिक्स स्पिरिट पावर को टेंशन को दे रहा होता है। वही ऐसा करने के लिए टेंशन अपनी 8 स्पाइडर लांस इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपने अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक भयानक पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे स्पिरिचुअल क्रिएचर निकल करके श्रेक डेविल्स के साथ फाइट करने लगते हैं। इधर मोटू देखता है कि टेंशन फायर फिनिक्स पावर को और ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, इसीलिए वो टेंशन को बताता है तुम्हारी 8 स्पाइडर लांस फायर फिनिक्स पावर को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकती है, पर फिर भी तुम्हें ख्याल रखना कि जिस फ्लेम की वजह से तुम्हारी जान पर खतरा पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन पूरे श्रेक डेविल्स को वहां से बचा करके दूर बेच देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी 8 स्पाइडर लांस के अंदर फायर फिनिक्स की पावर ही दिखाई दे रही होती है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग टेंशन को जान से मारने के लिए फिर से ओशियन पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। तब हम देखते हैं कि टेंशन पहले उसकी ओशियन अटैक को डोज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पिल एलर्जी की वजह से चारों तरफ से ऑलमोस्ट गैर चुका होता है, जिसकी वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग को मौका मिलते ही वो टेंशन को वाटर और एलिमेंट से बनी एनर्जी से मारने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि इतनी भयानक पावर को देख कर के टेंशन वहां पर अपनी हैमर के 6 सोल रिंग को रिलीज करता है, और डीप सी डेमोनिक वाले किंग के अटैक को डिपेंड करने के लिए अपनी 6 सोल रिंग्स में एक साथ ब्लास्ट कर देता है। वही जब ऐसा करने से 6 सोल रिंग्स के पावर सीधा टेंशन के बॉडी के अंदर जाती है, तब वो सोचता है कि मैंने पहले ही हाउशन हैमर के 6 सोल रिंग्स को ब्लास्ट कर दिया है। मुझे भी अंदाज नहीं था कि हाउशन हैमर के 6 सोल रिंग्स को ब्लास्ट करने से ही इतनी ज्यादा पावर मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंशन इस भयानक पावर का इस्तेमाल करते हुए डीप सी डेमोनिक वाले किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और इतना कहते ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।